ललितपुर जिले में किसानों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही। कभी ओलावृष्टि तो लगातार पिछले एक वर्षों से सूखे से परेशान रही किसान, इस बार अधिक बारिश से किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ गई। हम आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में साथ ललितपुर जिले में हुई लगातार बारिश की वजह से उर्द की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिससे किसान काफी परेशान हैं। किसानों ने आज अपनी समस्याओं एवं मुआवजे की मांग को लेकर कई बार ब्लॉक के गांधी मैदान में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें लगातार किसानों के ऊपर हो रहे प्राकृतिक आपदाओं के प्रहार एवं किसानों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष कीरत बाबा प्रशासन पर जमकर बरसे व सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया और कहा कि यदि किसानों को फसल का उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान प्रशासन से आमने सामने की लड़ाई लड़ने को मजबूर होगी और सभी किसान भाई सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। 2018 में अतिदृष्टि से हमारे किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। किसान भाइयों, मैं गांधी ग्राउंड से ये आप लोगों को वादा करता हूँ कि आपको 88,000 करोड़ जिला के छोड़ूंगा, जिला ललितपुर के अंदर नहीं तो मैं किसान यूनियन पर से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन किसान भाइयों, मैं गारंटी से कहता हूँ कि जब तक 88 करोड़ तो मिलवाएंगे ही और ब्याज निश्चित ब्याज के लिए मेरी मांग होगी। मैं सूचना के अंतर्गत रिकॉर्ड लूंगा, सूचना के अंतर्गत जो भी अधिकारी फित जाएगा उसको अदालत में घसीट दूंगा और मैं ब्याज के 88 करोड़ के मैं किसानों को बीमा दिलाऊंगा। दूसरी बात है किसान भाइयों, ध्यान से सुन लेना, याद है आबाद है और भूल गया बर्बाद है। आप लोग बिल्कुल नहीं घबराना, मुझसे फोन पे बात करना, चाहे वो 2000 वाली बात हो चाहे 6000 वाली बात हो, दलालों की बात में नहीं आना। मैं आपको बीमा दिलाऊंगा और सहायता दिलाऊंगा। 2019 की भी मैं दिला के छोड़ूंगा ना, तो सुन लेना, लेखपाल, कृषि विभाग का अधिकारी एवं बीमा कंपनी तीनों को जेल पहुंचा के छोड़ूंगा। शासन प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ो जब आप लोग आगे बढ़ते हो। आप लोगों की लगातार 10 साल से कहूँ अतिवृष्टि, कहूँ ओलावृष्टि, कहूँ सूखा, कहूँ तीता, आए दिन फसलें खराब हो रही और आप लोगों को अब अपनी लड़ाई आर पार की लड़ने आए। हम उत्तेजित नहीं कर रहे आप लोगों को, ना तर आने वाली पीढ़ी आपको गालियां देगी। एक दादा आप निव्या को दादा पे कर, हम इनकी बेइज्जती नहीं कर रहे, हम आईना दिखा रहे हैं आप लोगों को। अच्छा तो दादा आपने जिंदगी भर बैठे रहे खेती में, तो कुछ कर ही नहीं बैठे रहे आपके जब पिताजी गए थे।